बेहड़ स्थित यमुना किनारे बना सिद्धपीठ मां काली वहां मंदिर उमड़ी भक्त लगी लंबी कतार। इटावा शहर किनारे स्थित सिद्धपीठ मां काली वहां मंदिर प्राचीन काल से मां भगवती के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। चैत्र और अश्विनी मास में नवरात्रों के दौरान में जनपद ही नहीं अपितु दूर दराज के प्रांतों से भक्त हाजिरी लगाने आते हैं। नवरात्रों के दौरान विशाल मेला लगाया जाता है। 1 किलोमीटर की दूरी में सजाई गई दुकानें आकर्षण का केंद्र बनती हैं। बताया जाता है कि भगवान भोलेनाथ सती केशव को कंधे पर रखकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने महादेव को शांत कराने के लिए सुदर्शन चक्र से सौ के टुकड़े किए तो सती की बांह इसी जगह पर गिरी थी। यह भी बताया जाता है कि महाभारत काल में मंदिर का निर्माण कराया गया था। एक ही शिलापट में माँ के 3 रूप विराजमान है। इस दौरान अश्वत्थामा के सिर में घाव हुआ तो उसका दर्द मिटाने को अश्वत्थामा ब्रह्मा बेला में माँ के दरबार में हाजिर लगाकर उनके मंदिर में प्रज्वलित दीपक का तेल घाव पर लगाकर राहत पाते थे। माँ भगवती की कृपा से मंदिर समय समय पर विकसित होता रहता है, इससे मंदिर की भव्यता निरंतर बढ़ रही है। यह मंदिर ग्वालियर हाईवे से मंदिर तक करीब 300 मीटर की दूरी में डिवाइडर सहित 4 लेन सड़क के मध्य म्यूजिकल फाउंटेन तथा नव निर्मित मुख्य द्वार आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। पानी की टंकियां, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहराव के लिए कमरे युक्त हाल व अन्य संसाधन माँ का भव्य मंदिर आस्था का केंद्र बन गया है। आपको बताते चलें, बीहड़ स्थित यमुना किनारे बना सिद्धपीठ माँ काली वहाँ मंदिर, यहाँ सैकड़ों की संख्या में भक्त उमड़ते हैं और माना जा रहा है कि जो भी भक्त मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत हमेशा पूरी होती है। यहाँ बहुत दूर दराज के लोग दर्शन करने आते हैं और झंडा ढोल लगाड़े के साथ चढ़ाते हैं। यह भी बताया जाता है कि जो भी भक्त भैरव जी का दर्शन नहीं करते उनकी मन्नत पूरी नहीं होती। नंद किशोर साकी की रिपोर्ट।